ताम्रहल अंग्रेजी शासन हल क्रांतिकारी जवान जगह जगह टोली बना करके ये धरती के आजाद करावे खातिर प्रयत्नशील रहन और हमें क्रांतिकारी बलवंत सिंह का नाम इतिहास में ढूंढे से मिलन आप बागी बलवंत सिंह के दमताप कब्र से निकली या मेरे वो रसूल अल्लाह बलवंत सिंह कलन कि वतन के आन पर जंगी बगावत धान वाले आन पर जंगी बगावत धान वाले वतन के आन पर जंगी बगावत धान वाले हैं। अरे न कम हो हौसला कभी ना कम हो है बाग वीर ललकारा। अरे गोली एसपी सर ब्राइड को बीच कचहरी मारा। जो ऐलान करके ऐ भी आप जो गोली मार देने का आदेश दिया था उस ए अंग्रेज को बीच कचहरी में गोली मारा मार के फरार हो गया। लेकिन कोई जाके उनके घरे खबर कैलस क्या तो तुल्हार थार दुल्हा बड़ा गड़बड़ कर दिल आज के मेहरारू हथिन कथिन के लड़का परानी कैसे जी है। लेकिन बहादुर जवान की औरतें भी बहादुर थी। कहती है कि जंगी सजना सिपहिया फरार भइल हो जंगी सजना सिपहिया अरे जबले न जननी कटूटी पाव जरिया तबले नया पल सजय से जरिया अरे बारी का नमा कटोर भइल हो जंगी सजना सिपहिया तय कर लेलस जब ले धरती के गुलामी न हटी और तब तक अपने दुल्हा के फिर छोड़ देती लड़े बदे ए भी अब। लेकिन वह तय कैलस बलवंत सिंह तय कैलन फरार हुन भागल जातुन सतलज नदी के पार। लेकिन ऊ का तय कैलन तेरे बनाई बना गोरकी के दुलही अरे बनाई बना गोरकी के दुलही बागी वेश क्रांति का जंगी जोगर मई अरे बागी वेश क्रांति का जंगी जोगर मई बनाई बना गोरकी के दुलही गोरी पलटन चारों तरफ से छापा मार अरे डगर बदल निज भेष बदल बागी वीर हो गया फरार अरे ठीक गांव रुस्तमपुर पहुंचा बसा रहा सतलज उस पार अरे टिके वीर नाहर जिस घर में नौजवान एक रहल बीमार सतलज नदी के पार पहुंच करके एक घर में जाकर के छिपे कोशिश कैलन। लेकिन जोने घरवा में घुसलन वो घर में एक बुढ़वा बड़ा एकदम असहाय और एक लड़का बीमार पड़ल भाई ओकर अब तब लगल भाई कब परान निकल जाई और ओकर बहिनिया ओके जोहत बा बैठ के ए भैया ओकर जिंदगी का आसरा जोहत बा तब तक से ही पहुंचल घरवा में
जब ले घरवा में पहुंचल तब लोग परनवा छूट गए और बहनिया रोए लगल एक किनारे कोने में खड़ा होकर देखल बा यहाँ तरज बाप तानी भारत के जननवा रे सजनमा हमार लेकिन गाना का भाव की बहिनी बहाव रोई रोई असिया रे लसिया बिराना मकले रे पांच बार समाज कैसे रिकॉर्डिंग सेंटर सिधारी चौक आजमगढ़ ना नन्हा मतारी नन्हा तमारी होई गईली सपनवा अरे बाबू बुढ़िया में काटल दिनवा अरे तरसल रखिया करसिया हो लसिया बिराना मकले के इतना कमजोर हो गेल कि कुछ करल है कि ना बटन घर बैठल बस एक भाई रहल सहारा ए भी आज दम तोड़ दिया अब का हुई ओकरे जिंदगी के आगे अंधेरा दिखाई देत बाप लेकिन तो की हो गए सुनिए बला की दुहाई आंसू तेरा पोछेगा ये धर्म का भाई जा के सांत्वना देवे लगल बहनिया एक बात मतारी तो रही बाप तो सबसे बड़के मतारी भारत मैया धरती मैया यही के आज से अपन मतारी मान ले और आज से धरती की सेवा में लग जा और भाई ना ही बा तो भाई तो तेरा नहीं ला सकता हूँ लेकिन तेरा धर्म का भाई तैयार है और कह लगल का है तरज है बा पिया पिया तक धुआ उड़त झूमत आवना कचहरिया से बलमा झूमत आवना कह लगल की रोवा जी न बहिनी मारी सुनी बा कलैया सजाई दे तूना हमके धर्म का भैया बनाई ले तूना हमके धर्म का भैया बनाई ले भाई मान ला एकर क्रियाक्रम निभाना बा न तवा निभावा पीरा यार थी सजावा जब मनाई ले तू ना अपन बजर कर जावा मनाई ले तू ना अपन बजर कर जावा मनाई ले तू ना अपन बजर कर जावा मनाई ले तू ना हो मनाई ले तू ना हो मनाई ले तू ना भैया कलश के हम राखी तो बांध दे भाई के लाश जन बाप तो घर से बाहर थोड़ी दूर पर दफन कर दिलस दफन कैले के बाद एक धर्म का भाई मान के राखी बनले बा लेकिन कलश की राखी बनवाना तो सहज है एक निभाना बड़ा कठिन हो कह लगल कि हमारे रखिया का भारी कीमतिया की बिरना चुकाव के परी हमारे रखिया कभारी कीमतिया की बिरना चुकाव के परी भाई बहिनी कयन मोल न तबा कि सब दिन निभाव के परी याद रखिया एक बात के भुलैया मत
आज रखिया बांध देते तो हमेशा राखी के त्योहार पर चाहे कत्तो रहे आप तो क्रांतिकारी जवान हुआ आप और जल्दी मिलवाना, लेकिन एक दिन रखिया के दिन मिल जाए करे हमके। यही याद रखिया कहलन की बहनिया चिंता मत कर रखिए के ना, अब ये काम हमार फर्ज और बाकी बात कह का वह तरज बा के हमार बलमू रात काहे न अइला हमार। एक बात याद रहे दुनो कमवा कर ये धरती के आजाद भी कराई वो तोर नतवो निभाई। अरे जननी 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 का पल्ला का बेड़ी छोड़ाई बे हमार बहिनी तोहरे सदियों में आइबे, हमार बहिनी तोहरे सदियों में आइबे, हमार बहिनी तोहरे सदियों में। वादा करके चल रहे लेकिन एक दिन दिनवा हुआ गल कि आयल सगुन ले समैया का बाजा अदुरे पदुलरू आए दुलहे राजा। ए भैया लुटौलत सोना सुना हो बड़ी मार्के के बात पर जोहत रहो आयल आएगम ठीक विदाई के समय कहलत की लूट जाए धन दौलत सोना चरित्र कोई लूटे ना टूट जाए हर रिश्ता नाता रिश्ता धर्म का टूटे ना। आगल और विदाई किल से लेकिन विदाई के समय बहनिया फिर ख्याल धरौलस कि भैया भैया याद रखिया दुल्हवा पूछल की के हम कह के मां धर्म का भैया हुआ क्रांतिकारी बलवंत सिंह। क्रांतिकारी बलवंत सिंह का नाम सुनलस तो दुल्हावा सोचे लगल कि वही बलवंत सिंह जन को 25,000 रुपया इनाम रखल बा अंग्रेजन का। कहली कि हाँ वह बलवंत सिंह हो रही हमार धर्म का भैया हूं, हमार मतारी मर गई और कोई सहारा नहीं रहल, यह धर्म का भाई बन के हमके सहारा देहलन और आज जो शादी बा एक सारा खर्चा ही संभरले हुअन और आज विदाई के समय आकर के विदाई हमके देहलन और राखी पर हर राखी के दिन आवल करहनी। यह बतिया चेतावत बा फिर से दुल्हवा चुपा गए लेकिन रूपा का पति गद्दार मिला दौलत के नशे में खोया है भाई बहन के पावन रिश्ते में कांटा नीच चुभोया है। ए भैया मनवा में लेके बैठल बाप ये तो बड़ा बढ़िया काम बाप कि रखिया के दिनवा आई वही दिन कमवा हमार बन जाई और जाके अंग्रेजन के धीरे से खबर कर राखी के दिन सबे तैयार रह और 25,000 रुपया टैची में भर के ठीक रखे आप गाँव का ना भैया मालूम ना हो दे बाप ये 25,000 रुपया हम ले ही ले और अंग्रेज वो जमाने में 25,000 बहुत ज्यादा रहल। याद रहे राखी के दिन का हाल बाप कि सजा के राखी अरे झूमे सावन झूमे लागल मनवा बहिनी जो हली अरे झूमे सावन झूमे लागल मनवा बहिनी जो हली और सजा के राखी भैया के अवनवा बहिनी जो हली। हमर प्यार पर पूर्णिमा के दिन सावन बरसत बाप और बड़ी खुशी बाप खुशी में ए भैया प्रेम के आंसू छलक पड़ल बाप कि भाई बहन के हमर प्यार पर बरसन लगी बदरिया हो। आया है बलवंत सिंह जब आयल बाप और बड़े प्यार से बहन के लिए राखी बधवाया लेकिन भाई बहन के हमर प्यार पर बरसन लगी बदरिया हो अरे रूपा का पति अंग्रेजन के तब जाके दिया खबरिया हो अरे बधा के राखी लौटल जब मर्दनवा बहिनी रोहवे बधा के राखी लौटल जब मर्दनवा बहिनी जो हली अब बिचरा हमें घेर लिए दुश्मनवा बहिनी जो हली।
याद रहे एक बात, पहले तैयार के लिए देखा मर दुल्ही ने जाने तू लोग ऐसे हिसाब से काम करा, घेर ले रहा चारों तरफ, जब रखिया बना के निकली तो हम तो लोग इनके सिटी बजा दे, और जब सिटी बजाए तो धीरे से ऐसा पकड़ के चुप्पे से ले जाए कि मर दुल्ही न जाने। कलन ठीक बाप, सब इधर उधर छिपल, जब राखी बना के बलवंत सिंह लौटलन है घर से बाहर भिलन है, चारों तरफ से घेर के गिरफ्तार कर लन बलवंत सिंह के, लेकिन आदमी गिरफ्तार कर सकलन, एक चीज गिरफ्तार ना होला का आए हैं। कैसा और बल्ला भैया, तीसरा बल्ले का मन का पल छी कैद न होता, कैद न होवे विमल प्यार, दानेदार कभी दगा करे ना, पानी चलावे ना पलिदार। दानेदार कभी दगा करे ना, पानी चलावे ना पलिदार, जो अपने ही सुधर सकाना, का करी है दूसरे का सुधार, पापी न जाने धर्म का भाषा, वफा न जाने ना दफ्तार। ए भैया कह रहा कि मन के पंछी कैदन होता, कैदन होवे विमल बयार, पानीदार पानीदार कभी, अरे वफादार कभी दगा करे ना, पानी गवावे ना पानीदार। याद रहे एक बात के वो तो पकड़ गई, पकड़ गई लेके बाद किसी तरह से यहू के पता चल गए लड़किया के कि हमार भैया राखी बना गए तो पकड़ गए। वाह वाह, ये पता पहले बाजू भैया हमार पकड़ गए तो भैया हो ए आल्हा में तरज है बाप कि कवनी रे चिरैया बिन डाया नवा कवई हो गई, कवनी चिरैया बिन डाया नवा कवई हो गई, कवनी चिरैया बिन डाया नवा कवई हो गई। देखा रे कवना ही नदिया झूरे न बढ़िया, याद रहे प्राण रे चिरैया बिन डाया नवा कवई हो गई, नाया नाही नदिया झूरे न बढ़िया। यह तरज वाले किन गाना का भाव आप तैयार बन ले भैया, हमें मतारी होई गईली सपनवा ये भैया, मतारी मर गई तो भारत मैया के अपन धरती मैया के अपन माई मान ले ली, लेकिन अब एक भाई रहल वो चल गए तो करे बदले धर्म का भाई मिलल। यह सोचत बाप कि नन्हा मतारी होई गईली सपनवा ये भैया, पवली ही में भारत माता का दुलार। अरे अरे बाबा बुढ़ाइया में काटा आज दिन वे भैया, टूटल ये सरवा टूटल ये सरवा रहल, अरे धर्म कबीर नया जा मिलन हमारा, अरे तबले रुपया लेके अइल सदन वे भैया, पूछनी करनावा हो रूप मन मार। अटैची में रुपया लेके तबले पहुंचल बाप के भाई मरल के धर्म का भाई मिलल रहल, लेकिन वो पकड़ा गल कैसे, और तबले रुपया लेके पहुंच गए बाप, कहल की सैया ये कटैची रुपया लेके कहा ले आवत हो आप, कहल के रे पूछा जी बड़ा सजे में काम हो गया, कह रहे कमर रोजगार कैला बड़ा झटका पर गैला लेके चले ला, कहल की रोजगार ना कोनो कैली है, ये देश के एक काम बड़ा भारी कैली है, देश के काम कैला कौन काम बोला, पूछली करनावा हो रूपा मन मार, कहाँ पौला है इतना रुपया, बतावा लगलन के रे बड़ा सहज कमा हो गए, कह कैसे, अरे बोला रोशन सिंह तब
अरे बोला रस सिंह दबाओ हंस के समनवय भैया, अरे फायदा करौले हमारे धर्म का सार। वो जन तो धर्म का भैया हूँ, हमारे धर्म का सार हूँ। उनके पास 25,000 रुपया रखल है और उन्हें पकड़वा के 25,000 पा गई नहीं, करो नुकसान तो ना भया। कहल के रे सैया कहत हुआ बड़ा निक काम कैला की, ऐसे बड़ा कौन काम हुई संसार में जो तू काम किला वेले बढ़हर कोनो कामे नहीं बा। भितरा जब आग सुलगा लगल ए भैया हमारा मिलल सरकारी इनाम प्यारी, अरे हमारा के मिलल है इनाम सरकारी प्यारी, लूटल जाए जिंदगी में हंसी के बहार। अरे मनवा महसूस रूपा फाटा तक कर जावे भैया, मनवा महसूस रूपा फाटा तक कर जावे भैया, मटिया में मिली गई ले रखिया का प्यार। अरे मटिया में मिली गई ले रखिया का प्यार, मटिया में मिल गई ले रखिया का प्यार। अरे देश का गदार मोरा पति हो गई ले भैया, देश का गदार मोरा पति हो गई ले भैया, टूटल विश्वास जरे सेनुरा लीला। कहल कैसे ने गद्दार आदमी के दुल्ही बनकर के आज हमारे मांग का सेनुर जरत बाप। ए भैया लाहौर जेलावा में बंद उधर से रवाया भैया, अरे फांसी का सजाइया दिए है बदकार। दस्ताना 38 के दिन वाया भैया, 15 दस्ताना के दिन वाले भैया, फसिया झूला वाला जाई है सेरावा जुझार। अरे रूपा के मिला नावा के देहल सन तवाया भैया, झंख बहिलिया रोवेलिया सुधार। आखिरी ख्वाहिश पूछल गई बलवंत सिंह के, बलवंत सिंह से जब आखिरी ख्वाहिश पूछल गई कहले कि कौन ख्वाहिश बा, एक धर्म का बहिर रहल वही के राखी बनावे गलली और गिरफ्तार हो गई। तो वही से एक बार हम मिले चाहत है जरा सा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बहनी हमारे साथ धोखा तो ना कर गई। सोचत बा कि अब कौन मूले के भैया से मिले जाप, ऐसा हम मिले ना पति गद्दार। अरे ऐसा मिले ना पति गद्दार कि राखी दोषी भाई हमार, अरे फांसी दी है दुश्मना बिराना के ना, फांसी दी है दुश्मना बिराना के ना, फांसी दी है दुश्मना लगर। अपने मन में सोचत बाप कि भैया के क्या मुंह न दिखाई, अगर मुंह दिखाना है तो राखी के कीमत उसने दिया है तो बहन के रिश्ते का भी कीमत दे करके तो जाऊंगी मिलने के लिए। तो विधवा बन के रहू सहूना देश द्रोह की याद, अरे भौत माँ के दामन में ना लगने दूंगी दांत, तो पैरी बन गई ले सजनवा बिरनवा जना। कहलन की सैया इतना बहादुरी काम किया तुम्हें कोनो साबसी ना देली, ते आवाज आज तुहार स्वागत बढ़िया से करब। बड़ा खुश भैलन कहलन की हाँ जी आज जरा डट के सुहागरात मनाएंगे। कहलन की हाँ जरा कुर्सी बैठा तुम्हें माला पहरा के तुहार आरती करब। ए भैया एक छोटी सा पिस्तौल की व्यवस्था कैलस, अब मोटका गजरा में जन बाप धीरे से उके छिपौले बा, छिपा के कैलस का रोशन सिंह को पास बुला के गजरा गले पहनावे। अरे बंदे मातरम बोल के गोली सैया ऊपर चलावे और कटली पापी का गरबा नवा पीला नवा जना। Thank you.
ए भैया एक गजरा तुम्हें पहरा के और धीरे से मलबा पहरा के जब गर्दनवा के नहतवा पूछल बा एटन टिप दिल दरिया निहुर गेले निहुर गेले तब निकाल के कटार देन बा मार के खच दे गर्दन अलग कर देलस कलस किया भैया से मिलब और दूसर गजरा थरिया में सजावे लगल सरका गजरा खो और मोटे तनी सब थरिया में सजावे लगल तो पहले वही छोटकी पिस्तौलिया जन बा धय के ऊपर माला धे दिलस माला धैले के बाद ऊपर राखी रख दिलस बढ़िया से और सजाओ जाके आरती उरती धरलस ऊपर से कि ऊपर से देखे मालूम पाए कि माला आरती राखी कुल बाप और लड़की का जावे बड़ा भोला रूप बना करके गई बाप ज्यादा ओकरे शरीर के चेकिंग भई लेकिन ओकरे थरिया के चेकिंग ना भई कभी कभी चूक हो जाले चलाको आदमी से और नतीजा का निकल अरे सजा के राखी गजरा थाल में पिस्तल चली छिपाई अंत मिलन बलवंत सिंह को पिस्तल दिया थमाई अरे गोली कर गोली कर जल जे हलखा नाम आबी रनावा के मार के गोली अपन है खुद मर गई लत अरे अमर शहीदी बाला भारत माँ के ही समय ले कीर्ति गाँव हिंदुस्तान आप भी रनावा के और गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल मुर्बा का स्वर्ग बसे चंदिका कभी बच्चन का बीजा पता का कि बनाई बहना गोरखी के दुलही अरे बनाई बहना गोरखी के दुलही राम दा सदा संत सदगुरु का चरण दबाई बनाई बहना गोरखी के दुलही भोले बाबा जगिया हो भोले राम जंगल पाली कबीरा पीवा की हलचल मची थी कभी साफी कंदर की गूंजी पिताली कभी भी समय अर्जुन जी डंका बजा दियो कभी झांसी लक्ष्मी कभी गांव रुस्तम हिला दियो डाली कभी नीर उधम उधम को मचा दियो कभी झांसी लक्ष्मी बनी दुर्गा का तर्ज हुआ वाह कवन का कब्र से निकली या मेरे कब्र से निकली हाँ बाबू जो आने के खातिर कहानी उसको कहते हैं लगा दे आग पानी में योधा सिंह के सिंह लगा मौका नहीं तेर बबर से लड़के बिरका पकड़ने वाले नहीं गद्दारों से डरते अकालिंग नगरी हे नाग सिंह महाराजा अनंत में चली जवानी और बाजा विजय विचरण अंग्रेजन के रहल और इतना तहलका मचौले रहे कि माता बहनों का आस्तन काट ले लेकिन नाग सिंह मिट्टी लेकर कसम खाया कि माँ मैं तेरा कसम खा रहा हूँ
जो अंग्रेज अगर बहन का आस्तन काट लेगा उस साले का मुड़ी काटूंगा। और यहां तक कि वो जवान का मुड़ी कटे हुए नुए पड़ गए। अच्छा, अंग्रेज बहुत चलाक रहे, सोच रहे कि मिलावे के चाहिए और फूट के बीज बो तब हम लोग राज कह गई। तो मौसियाउर भाई उसी का था, उसका नाम क्या था? नाहर नरेश। जब ढोलन जब उन पर किया चढ़ाई, दोनों राजा ने जब के खूब डट के हुई लड़ाई। देखा अंग्रेज इतना फुला दे ढोलन सिंह के बाद कि नाग सिंह का नाम मुड़ी कटवा पर गला झूठे तू भूजा इस तरह फैलावल। इतना लड़ैया है कि जीत गई और जीत के पटक के रख के घुटना। अच्छा, तलवार जो है लगौने मुहे पर कहे बोल मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तब लगल ही के भैया हमने चिन्हत ना होगा कि हम के है। कह तुम कौन हो? कह तुहरे मौसी का लड़का है, हमारा नाम ढोलन सिंह। कह तो वो बेकूफ रहा, जब ढोलन सिंह हुआ तो यहाँ ढोल बजावे किसे आगे ला? तू भाई होके अंग्रेजन के कहे चढ़ाई केला तो तोका त्वार मुड़िया हम काटो, हमार नाम मुड़ी कटवा हो। लेकिन हाथ जोड़ के निकल गए, छोड़ गए कि जाएगा। लेकिन धोखेबाज जो है हमेशा धोखा करते हैं। दूसरे दिन आधी रात को चढ़ाई किया और कुछ सैनिकन के पैसा दे के मिलौले कि अगर हमारे तरफ से हो गई बात तो उनके राज ऐसा ऐसा दिवाई कि अंग्रेजन का हम पिट्ठू बन गए। तो पापी किए क्या? लेकर के बर्फी भाला, लेकर के बर्फी भाला, लेकर के बर्फी भाला, हो गए कोग में नाहर महुआ काली जरवाला। आए हाय, आधी रात को चढ़ाई किया और नाग सिंह को जीत गया। और जीत गए तो कहने की कहो भैया तुम मौसी के लड़का न हुआ भाई हुआ है। तो जब ये हाथ में अंग्रेज हथकड़ी नहीं लगा सकले तो भाई होके लगा रहा। कह बोला मत नहीं तो अब मुड़िया काट लो। तब तो जान भी नहीं कि भाई गद्दार निकल गया और ले जाके अपने दरबार में जेल में उन्हें नजर बंद रखा। जिस दिन पकड़ के ले गया मालिक की मर्जी नाग सिंह के जेरुआ पुत्र उनके महारानी के पैदा भर एक लड़की और एक लड़का दोनों का नाम, एक लड़की का नाम कर्मावती और लड़का का नाम समर सिंह। 15 साल का धीरे धीरे जब जवान भेले बच्चा तो माँ से पूछ रहे कि माँ मेरे बाप को कौन कैद किया है? तो रात दिन रोती है बताती नहीं। माँ बहका रही है लेकिन बेटा पूछ रहा है। और कर्ज रमा पारी के जो नया चल रहा बॉम्बे वाला बरसमा चल। अरे मोरे पीछे अरे झूला नी गए लाती तारिया ने कहे नीक लागल बिटिया आई ना टीनिया ने कहे आई ना टीनिया ने कहे नीक लागल बिटिया आई ना अरे झूलनी गो लाती तारिया ने कह नीक लागल बिटिया धल कहने लड़का का कि पान खाए जान मारे खत की चुस्त चोरी छोड़ मारी
हई भरी नियत के बाला निकला बाला निकला गगिया हई मनी लगे सुना भैया समा कैसे सिधारी चौक आजमगढ़ ये 5 रुपया पुरस्कार पूछ रहा बच्चा देखा जहाँ हंसे वाली बात पहुंच ले और जहाँ समझे वाली बात हो यहाँ 15 साल का बच्चा माँ से जिद कर रहा है क्या कि धूमी लेते हरवा माँ से पूछन बचाया अरे दुखवा सहेली यही दुनिया में तीस भरी गलमाल के गलिया माँ कह बेटा जौने दिन 16वां साल तुहार पूरा हुई वही दिन पूरी बात बता दे अरे सोच रही है कि जैसे नाग सिंह मुड़ी कटवा रहल वैसे बेटो हो गए तो ढोलन के अगर चढ़ा दे तो बेटौआ के मुड़िया काट दे तो यह रोला सामने से चल जाते जाके ढोलन सिंह से कहले एक अंग्रेज के चमचा कि कहो पियत रहे के शराब मस्त रहे आओ आओ गुड गुड कह गुड गुड मत करो क्या लाए हो कह सरकार जैसे तू चमकत हुआ सुंदर जेके कैद के लिए हुआ नाग सिंह की उनका 15 साल के लड़की करमावती बड़ी सुंदर हो गई तुहरे लायक अगर तू शादी कह लेता तो जोड़ा बड़े बढ़िया हो बेईमान को ज्ञान नहीं कि हमारे भाई की लड़की है भाई के कैद के लिए और लड़की भाई की लड़की लेकिन पापी को ज्ञान क्या था वो तो अंधा हो चुका था दौलत के लालच में कुटनी को बला के कहता है और तर्जवा वह बदल गए है राखी वाली है मैया गे हम ना जे भाषा पर कह भट्ठा को बहुत गड़बड़ है कहे बिटिया तेरे दूटे छोट छोट भाई हुए हम पुरनिया हो गई अगर न कमेबू तो कैसे चली तो कहत हम आई की इज्जत देश की हम न कमा बल्कि प्राण तक दे कहे कि एक राजपूत दूसरे पी के भैया भूत एक राजपूत दूसरे पी के भैया भूत एक राजपूत दूसरे पी के भैया भूत दूसरे कहे लगे छूत बात से किसे कहे लगे छूत चौथे घरे देवी तू भैया मैया रे बलाय के कहता है अरे कुटनी दैया के भेजा लाधो कि आवा हमारी गोरी तन आवा हमारी ओरी तनी बात सुना मेरी आवा हमारी ओरी तनी बात सुना गोरी सुन ला हो ए बुढ़िया भाई जिंदगी भर हमार काम कहलू इतना दौलत ना दे लेकिन अगर नाग सिंह के करमावती को अगर लाओ तो मैं इतना दौलत दे इतना दौलत दूंगा कि तू जिंदगी भर फिर कमाए के न हुई और न लिए बूते कर इल्जामो सुन ला कि तुहार मुड़िया हम काट ले पहले क्या है रे जिंदगी भर पापी
अंग्रेजन के संरक्षक में पड़ रहा, हमारी देशवा गुलाम हो जाये। चलत चलत तो दिमाग बदल गए कि जिंदगी भरे पापी के कहले पाप कही, लेकिन अब पाप हमसे न हुई। जाके सारी बात लगल बतावे समर सिंह से कि माई से का पूछत हुआ, हम तो हर बुढ़िया माई आई। कह माई तो की हुई, कह जवन तोहरे बाप के कैद के लिए वही के नगर के ढोलन के नगर के कुटनी, तेरे बाप के 15 साल से कैद के लिए, तेरे बहन के बलौले और नल ले जा तो हमार मुड़िया काट दी। इतना सुनत 15 साल के रेखिया उठान पट्ठा न्याम से तलवार खींच लिया, हमारे बहन के बलौले हमारे जीते तो यहाँ थोड़ा वीर रस का मजा लेगा। सुन के सही हकीकत समर सिंह पगलाई रह भुजा वीर के फल के तो छाती तेरे बबाई के सही चुकई तब हम सच्चा पूछ कही छत में पलत हो, अंग्रेज ओकर रक्षा करत हो, तो ये रूप में जईबा तो बच के ना जईबा। लड़ाई में छल बल कल तीनों मजाला। कह माई छल बल के बात का हो, कह बचवा तेरे बहन के बलौले तो तू ऐसन सुरहो सिंगार ऐसा रूप बनाओ मेहरारू के कि देख के मोहित हो जाए, वही टाइम काम हो जाए, एकर मुड़िया कर जाई। और न जईबा तो पहले हमारे मुड़ी काटी जाते। कह माई हम मर्द हो के मेहरारू करूं फिर, कह बचवा कहली ने छल बल काल तीनों काम दिला। कहले की देखा एक उपाय हो, हरी झंडी जब दिखाई तो जान जाए कि तुम्हार बाप वही किला में बंद हो, और लाल झंडी जब दिखाई तो जान जाए कि ढोला वही किला में हो। ढोलन का नाम सुनते दिमाग खराब हो गया था। कह चल माई आवत थी कई का एक मर्द होके औरत के रूप बनावत हो। कर तो रहो सिंहार लहना पहरे ओ भैया, कर तो रहो सिंहार लहना पहरे बूटेदार, खूब खिलावे ने अनार, खूब खिलावे ने अनार, खूब खिलावे ने अनार देखो मार के जरा, खूब खिलौने जब अनार पायल पहरे चमकदार, लूटन चले हैं बघार लहरेदार का जरा। जीना बड़का दे छोटा नहीं, गोल गोल खूब बनौले लाली ओत पर लगौले, गरवाहार खूब सजौले धोखेदार का जरा। गोरी घटा जैसन बाल गजा दामिनी ऐसन चाल मान तक मुझ लागे माल दिया बाल दिया।
तक कटवा की होती और उस पीठी से काजर और बहन पीछे से देखत बहन देखत कि भैया हमारी रूप काज बनाओ तू है मर्द होकर मेहरारू कहे बोलने कहले कि भैया हम राखी लेके खड़ा ही बांधे बदी अति गोदना बना कैसे लगाओ थे कहे बोल मत बहिया आज बड़ा बढ़िया काम होने वाला हो कह अच्छा राखी बधवा ला राखी बधवा के तब पूछ ले कि भैया ये रूप कहे की काले क्या है कि मर्द होते हुए औरत का रूप बना के कहां जा रहे हो कहले कि बहन 15 साल के बाबू हमार ढोलन के कैद में है आज अपने बाबू की छुड़ाव जाती तब तक चटकन लग गल कहे भैया तन्हे हमन जन्म ले ले एक कोठी में और एक दिन पैदा भली तो तू बाबू के छुड़ावे जात हुआ और हमने बहन जान के छोड़ के जात हुआ जहां तुहार खून ढेरी भैया वहां भाई बन के दहिना बाह को जाई अपनो खून धरा दे और जहां तुहार मुड़ी कटी कह जब तू हमार रूप धर सकल औरत के तो कहा हम तुहार रूप ना धर सकी हम मर्द का रूप धारण करो कहें कि बहन ऐसा ना हो सकत कह भैया वचन दे लेगा हिंदुस्तान का एक नियम है कि जो मर्द वचन देते थे वो वचन का पालन करते हैं तो आप मुझे पालन वचन का करिए और मैं चलूंगी कहे कि ठीक है बहन वचन दे चुका हूँ तो पीछे नहीं कदम हटाऊंगा कैसे चल पड़ी तर्ज हुए की के अखिया ने करवा अखिया ने करवा तेरा उहे को करवा जनवा अरे दिया बिना दांत के बछरू जोड़ी कहां जा ना जाना तुम की भाई बहन हूं जब पहुंचल तो कितनी बड़ी चलाक रहे कहले की यार और मत करा तीनिया थे मुर्गा हम फाटक पर कहे मुर्गा मने का भल भाई कहले तीन अंग्रेज संतरी खड़ा हुआ फाटक पर हरी झंडी दिखौले और जब पहुंचल
तो तीनों शराब पियत रहे और शराब पी के एकदम फुल पावर में हैं। कह तुम कौन कौन हो? अरे कहे सरकार तोरिन के करिंदा है। सही बुढ़वा के देखे चाहती जन बंद हो सुनो हो बुढ़वा के देखे चाहती कह देख लो कोई बात नहीं। जब पहुंचल है तो देखे बाबू की आंखी में कीचड़ आए हाय नह बढ़ल हो दाढ़ी बढ़ल हो पहुंच के मरले तलवार से जब ताला टूटल हल्के भीतर हल के बाबू के छोड़ाए के जब लेके चले लगल घोड़ा पर सवार होके अब वही मम्मा लोग पता ही नहीं चलत है और लेके चल दिले कहत हूं कि तुम कौन हो धीरे से बोल तो जात न 15 साल तक कैद में किया था तो धीरे ही से कहते तुम्हार बाप ही हम अगर ही बता दे कि हम तुम्हार लड़की तो ही जेलन हो करे लगता कुछ चौपट हो जात काम चलाकी के लेके भग गई। और यार भाई की हिम्मत दिखा कि जब पहुंचल है घूंघट काल के तब तक कुटनी से पूछ रहा कि अरे कब आएगी दोलन कह रहा कब आएगी कह सरकार बउआ मत हो कान हो कहे अरे बाप रे बाप ऐसा नहीं और जिंदगी में नहीं देख ली जितने छोट उतने मोटा आई आई ठक के जवान जात धीरे से कहते ये सरकार आई दूटे जो संतरी अंग्रेज कुत्ता रख ले हुआ ये कुत्तन का कहा जरूरत जब हम तोहरे पर राजी हुई तो कुत्तन के हटावा जल्दी तब ले नफा दे कल गेट आउट और जब गेट आउट कर ले गप से हटल गप से हल गए और जब हलक जवान तो देखा था कि क्या सुंदर है क्या तुम्हारा नाक है क्या तुम्हारा गुदना है क्या तुम्हारा एक काजर का कठिन है कहा सरकार तोहरे बजे ने बन के आये लप पकड़ ले तू पहाड़ लगाओ था तो चले तो वह गिने बन ले चूरत भाई यही के पहले कमानी गिन हाथ पहुंचे तब ऊपर माथा गरम की सलाह कौन है मेहरारू की मेहरोगा है। अरे तब तक तो खतरे का घंटी ने बजा दे ले चौबुक अंग्रेज घेर ले तभी कहा कि अरे साले चीन लो मैं वही जो फेंक देने लेना देना वो और असली रूप में हो गया तलवार खींच लिया कि साले मुड़ी कटवा के बिटवा मुड़ी कटवा आ गए तब तो कहे तेरे बाप रे बाप अब विराह तो बहुत सुन ला तेरे की बात सुन वाला अरे अजमई है का पुरुष का जोरवा सिर के आगे काली गिर रंग एक और हिंदुस्तानी पलटन और लड़ाई जब शुरू भई भैया तो यहां खांटी भी सुनाई लादल लोहा कमर में गज गई लड़किया हो कमरिया I'm gonna get you.
धोखा ना करते कहना कि तलवार ले लड़ जो जीत जाए वह मुड़ी काटी और पटक के काट ले है मुड़ी और मुड़ी काट के ले गई ना कहा कि जहां लिखोले रहने सब अंग्रेज कि भारतीय क्रांतिकारी मुर्दाबाद अंग्रेजी शासन जिंदाबाद ले जाके चौराहे पर टंगोले और लिखोले कि अंग्रेजी शासन मुर्दाबाद भारतीय क्रांतिकारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बाप रे जब मुड़ी कटले का नाम सुनने नाथ सिंह की सन हो तो ढोलन का मुड़ी काट ले तुम्हें जरूर राज हो का हमें जो लिए रह सो वह कना हो का अभी सोचत हो यही तो आलहान प्रमाण मरनवा बबुआ वह दिन बबुआ दिन कर माई के मरना बबुआ वह दिन माई के मरना बबुआ दिन बीतिया जानी हो तो तू भैया का मरना बबुआ वही भैया का मरना बबुआ वही भैया का मरना बबुआ वही आज पता लगल कि हमार बिटिया बेटवा अपने गले से लगाए के छछो काल रोत हुए 15 साल के मिलन हो थो तब तक ढोलन के लड़का कहे कि मिलन होए न दे हमरे बाप के मार के कहां जीवा आखिरी प्रमाण हो कि देहले जवान विधाता भाई बहिन का जोड़ा हमारे भाजे लेके तालावरिया कुड़ा भाजे लेके तालावरिया कुड़ा के धोला भैया लेके तालावरिया कुड़ा के आया कुड़ा के धोला आया कुड़ा के धोला आया कुड़ा के धोला भाजे लेके तालावरिया कुड़ा के धोला भाजे लेके तालावरिया कुड़ा के धोला। अरे रनों में भील गई ले दुनहू सुगनवा तो काट लिया ढोलन के बालक का गर्दनवा दूर भैने आखी से जिगर कर रोलवा तो ढोलन के खुनवा से केसिया सजवली भारत के नक्शा वही के खून से बनौली